आरजे पल्लवी पॉडकास्ट की सारी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और सुनते रहिए हमारे साथ आज रक्षा वैष्णव जी की लिखी हुई कहानी देवलगढ़ के महल का सेकेंड एपिसोड। दोस्तों अगर आप लोग फर्स्ट एपिसोड नहीं सुने हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई बटन और एंड स्क्रीन में दे दूंगी, आप लोग जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और एक बात दोस्तों आप लोग से कहनी है कि वीडियोस बनाने में, ऑडियो बनाने में, एडिटिंग करने में, वीडियोस को एडिटिंग करने में, पोस्टर चॉइस करने में, पोस्टर एडिटिंग करने में, राइटर से परमिशन लेने में, इतने सारे काम करती हूँ, इतनी सारी एफर्ट लगाती हूँ तब जाके एक अच्छी ऑडियो या फिर अच्छी वीडियोस बनती है। तो इतना तो आप लोग से मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि अगर आप लोग मेरी कहानियाँ सुनते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब में कोई भी पैसा आप लोगों को तो लगता है नहीं, सिर्फ एक बटन दबाना है और आप लोगों को सब्सक्राइब का बटन दब जाएगा और मुझे सब्सक्राइबर मिल जाएगा, एक यूट्यूब फैमिली बन जाएगा हम लोगों को। तो आशा करती हूँ अगली बार या इस बार जब भी आप लोग मेरी कहानी सुनेंगे तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करेंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई मैं न्यू वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। और एक बार दोस्तों लास्ट में आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देने वाली हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सो प्लीज ध्यान से जरूर सुनिएगा। तो चलिए देरी नहीं करके शुरू करते हैं जो आज की कहानी है, देवलगढ़ की महल की रक्षा वैष्णव जी की लिखी हुई कहानी। यह असत्य है महाराज, मैं ऐसे किसी पुरुष को नहीं जानती, ये दासियां अनुचित कह रही है महाराज। रानी देवल अधीर होते हुए बोली, कनिका, शारदा, तुम ये असत्य क्यों कह रही हो? उन्होंने अपनी दोनों दासियों से पूछा और वे आगे बोले, मैंने कब तुमसे ऐसा कोई भेद छिपाने की बात कही? तुम इस प्रकार मुझ पर ऐसा कलंक क्यों लगा रही हो? महारानी देवल बोली, उनकी बात सुनकर दोनों दासियों की उनसे दृष्टि मिलाने की हिम्मत भी नहीं हुई, वे दोनों अपनी नजरें झुकाकर चुपचाप खड़ी रही। तब महारानी देवल ने महाराज की ओर देखा, महाराज अब तक उनकी ओर देख रहे थे लेकिन उनसे नजरें मिलते ही महाराज ने अपनी दृष्टि फिरा ली। ये देख महारानी देवल की आंखों से आंसू बह निकले, उनकी नजर महारानी ईरा पर पड़ी जो चुपचाप खड़ी मन ही मन मंद मंद मुस्कुरा रही थी। महारानी देवल को ये समझते तनिक भी देर नहीं लगी कि उनके खिलाफ ये षड्यंत्र महारानी ईरावती ने ही रचा है। वे ये तो सदा से ही जानती थी कि महारानी ईरा उनसे घृणा करती है, पर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि वे अपनी घृणा के अधीन होकर इस हद तक गिर जाएगी। अपने अंदर की पीड़ा को दबाकर वे महाराज की ओर बढ़ी और उनके समक्ष जाकर हाथ जोड़ते हुए बोली, मैं जानती हूं नाथ कि आप अब मेरी ओर देखना भी नहीं चाहते, किंतु हे स्वामी, यदि आपको मुझ पर तनिक भी विश्वास है तो मेरा भरोसा कीजिए। मैंने आज तक आपके अतिरिक्त किसी पर पुरुष के विषय में विचार तक नहीं किया है, आपके अतिरिक्त किसी और को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया है। प्रभु, ये संसार क्या कहता है, क्या समझता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है तो केवल आपसे, आपकी सोच से। रूंधे कंठ से महारानी देवल बोली। उनकी बात सुनकर महाराज ने उनकी ओर देखा और बोले, हमें आप पर पूर्ण विश्वास था रानी सा, हम तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि आप ऐसा कुछ करेंगी। देवल, विश्वास था महाराज? रानी देवल ने अचरज भरी दृष्टि से देखते हुए महाराज से पूछा, हाँ तो अब आप ही बताइए, हम किस पर विश्वास करें, आप पर या उस पर जिसे हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है और इन दासियों ने प्रमाणित किया है? महाराज ने गंभीर स्वर में महारानी देवल से पूछा।
उनकी बात सुनकर अश्रु भरे नेत्र होने के बावजूद भी महारानी देवल के मुख पर एक सहज मुस्कान आ गई। जीवन की कटु वास्तविकता से उनका आज एकाएक परिचय हो गया था। महाराज की बात का उत्तर देते हुए वे बोली, ये तो आपको तय करना है स्वामी कि आपको किस पर विश्वास करना है। तब महाराज उनकी ओर देखते हुए बोले, हमारा हृदय तो केवल आप पर विश्वास करना चाहता है रानी सा, किंतु मस्तिष्क में कई प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, और फिर हम केवल आपके पति नहीं हैं, इस देवलगढ़ साम्राज्य के अधिपति भी हैं। हम बिना किसी ठोस प्रमाण के आप पर विश्वास नहीं कर सकते। संभवतः आप स्वयं इस बात को समझती हैं। समझती हूं महाराज, सब समझती हूं। इसलिए तो कहा कि संसार क्या कहता है इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप क्या कहते हैं इस बात से फर्क पड़ता है। तो आप मेरी दृष्टि में दृष्टि डालकर केवल मेरे पति के रूप में मुझसे बस इतना कह दीजिए कि देवल, संसार चाहे कुछ भी कहे पर मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। बस महाराज इतना कह दीजिए, फिर चाहे जो दंड दीजिए, आपकी देवल उसे सहर्ष स्वीकार कर लेगी। अश्रु पूरित नैनों और आह भरती वाणी से वे बोली। उनकी बात सुनकर महाराज कुछ देर शांत रहे और फिर उनकी ओर देखकर बोले, देखो देवल, मैं सदैव से ही तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ। कदाचित इसी कारण से एक पति होने के नाते मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ, किंतु एक राजा होने के नाते वो भी नहीं कर सकता। किंतु हाँ, यदि तुम अपनी सत्यता का कोई प्रमाण दे पाओ तो। तो क्या महाराज? महारानी देवल बोली। तो तुम्हारी बात पर विश्वास किया जा सकता है, महाराज ने कहा। तब महारानी देवल बोली, तो आप क्या चाहते हैं महाराज? क्या अब मुझे भी माता सीता की भांति अग्नि परीक्षा देनी होगी? यदि ऐसा है तो मुझे क्षमा कीजिए महाराज, क्योंकि मुझ में वो शक्ति नहीं कि मैं अपनी पवित्रता का ऐसा कोई प्रमाण दे सकूं। और फिर वैसे भी उस प्रमाण का क्या अर्थ होगा? अग्नि परीक्षा देने के बाद भी तो माता सीता को वनवास भुगतना पड़ा था, गर्भावस्था में निर्वासित होना पड़ा था। अब स्वयं महासती सीता पर किसी ने विश्वास नहीं किया, बारंबार उनसे पवित्रता के प्रमाण मांगे गए, तो मुझ पर कोई क्या विश्वास करेगा स्वामी? बस फर्क तो इतना है उनमें और मुझ में कि उनके श्री राम और उन पर पूर्ण विश्वास था, और मेरे राम को अब मुझ पर विश्वास नहीं रहा। ते हुए वे रो पड़ी। रो रो कर जब उनका मन कुछ हल्का हुआ तब वे आगे बोली, अब आपको अब मुझ पर विश्वास नहीं रहा स्वामी, केवल इसलिए ना कि ये दोनों दासियां मुझ पर आरोप लगा रही है कि आपने उस पुरुष को मेरे कक्ष से निकलते हुए देखा या ना। किंतु नाथ, मुझे ये बताइए, क्या आपने मुझे उस व्यक्ति के साथ बातें करते या समय व्यतीत करते देखा? यदि नहीं तो हे स्वामी, अब मुझे ये बताइए कि इन बातों से जो इन दासियों ने कही, उसे मेरा चरित्र कहां गलत प्रमाणित होता है? हो सकता है वो व्यक्ति मेरा कोई गुप्तचर हो, मुंह बोला भ्राता हो, अथवा कोई मित्र हो। और ये भी हो सकता है नाथ कि जो आपने देखा वो आपने सहज नहीं देखा हो, अपितु दिखाया गया हो। आप कहना क्या चाहती है महारानी, कि किसी ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा है? महाराज ने पूछा। जी महाराज, महारानी बोली। किंतु कोई ऐसा क्यों करेगा महारानी देवल?
फिर भी आपकी तसल्ली के लिए हम आपके महल के अन्य दास दासियों से भी पूछ लेते हैं कि सत्य क्या है। कहते हुए महाराज ने सभी दासियों और द्वारपाल को बुलाकर पूछा। सत्य तो सभी जानते थे कि तो महारानी इरावती के भय से किसी ने भी सत्य बोलने का साहस नहीं किया और महारानी देवल बिना किसी दोष के दोषी प्रमाणित हो गई। महाराज ने सबके समक्ष उनका परित्याग कर दिया और राज्य से निर्वासित हो जाने का दंड सुना दिया। कितना आसान है ना एक औरत के चरित्र को कलंकित करना, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ एक औरत के दामन पर दाग लगाने वाली भी एक औरत ही थी। महारानी देवल को दोषी बनाकर महारानी ईरा के मुख पर कुटिल विजय की मुस्कान आ गई थी। महारानी देवल तो बस मृत प्राय हो गई थी। उन्हें दंड सुनाकर महाराज वहां से जाने को हुए तब महारानी देवल ने उन्हें रोकते हुए कहा, महाराज आप इस प्रकार मेरे साथ अन्याय करके नहीं जा सकते, आपको मेरी पवित्रता का प्रमाण ही चाहिए ना। तो ठीक है, आपकी ये देवल आपको अपनी पवित्रता का प्रमाण अवश्य देगी। ये बात सुनकर महाराज भीम सिंह रुके और उन्होंने पलट कर महारानी देवल की ओर देखा। महाराज के रुकते ही महारानी देवल आगे बोली, हाँ महाराज आपको मेरी पवित्रता का प्रमाण अब मैं अवश्य दूंगी, और ये स्मरण रहे महाराज कि ये प्रमाण मैं केवल आपको ही विश्वास दिलाने के लिए दे रही हूँ, किसी और को नहीं। क्योंकि महाराज मैं केवल आपको ये प्रमाणित करना चाहती हूँ कि मैंने सदैव केवल आपसे ही प्रेम किया है, आपसे बढ़कर मेरे जीवन में और कुछ नहीं है। कदाचित केवल इसलिए अपने स्वाभिमान को कुचलकर भी मैं आपको आज अपनी पवित्रता का प्रमाण अवश्य दूंगी, साथ ही मैं आपको उस सत्य से भी अवगत करवाना चाहती हूँ जिसे कदाचित आप इस समय नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि अब आपको मुझ पर विश्वास नहीं रहा। आप सदैव न्याय प्रिय रहे हैं महाराज, किंतु इस समय आपने मेरे साथ अन्याय किया है महाराज, और मैं आपकी सहचरी होने के नाते आप पर एक अन्यायप्रिय शासक होने का कलंक नहीं लगने देना चाहती। बस यही एकमात्र कारण है कि आज मुझे वो करना पड़ रहा है जिसे अक्सर कायर अपना शस्त्र बनाते हैं। पर मैं क्या करूं महाराज, मैं विवश हूं। अपनी पवित्रता और सत्य को आपके समक्ष प्रकट करने का, अपने सतीत्व को प्रमाणित करने का, इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रमाण नहीं है मेरे पास महाराज। मुझे क्षमा कर दीजिएगा, पर आपसे और अपनी कर्म भूमि से दूर होकर मैं करूंगी भी क्या। कहते हुए महारानी देवल महाराज भीम सिंह की ओर बढ़ी और उन्होंने अश्रुपूर्ण नयनों से महाराज के चरण स्पर्श कर अंतिम विदा ली। स्वयं महाराज और वहां उपस्थित सभी लोग कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर महारानी देवल करने क्या वाली है। इसी जिज्ञासा से सब महारानी देवल की ओर देख रहे थे। महाराज से आशीर्वाद लेकर महारानी देवल ने मन ही मन अपनी आराध्या माँ जगदम्बा को याद किया और उनसे भी अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी। तत्पश्चात उन्होंने महाराज से कहा, मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, मैं महादेवी सीता जैसी तेजस्विनी तो नहीं हूं कि अग्नि से जीवित बाहर आ जाऊं, और यदि आ भी सकती तो भी नहीं आती, क्योंकि मैं भी उनके ही पद चिन्हों पर चलती रही हूं। एक बार अग्नि परीक्षा देने के पश्चात फिर उन्होंने अपनी पवित्रता का कोई भी प्रमाण कभी नहीं दिया। राजमहल छोड़ दिया पर अपने स्वाभिमान और सत्य को कभी नहीं छोड़ा, और अंततः भूमि की गोद में समाकर अपने सत्य को सिद्ध किया और इस मतलबी समाज का परित्याग किया। आज मैं भी उसी मार्ग पर जा रही हूं। कहते हुए महारानी देवल बिना एक क्षण गंवाए तेजी से भागते हुए महल से बाहर आई। बाकी सब भी उनके पीछे महल से बाहर आ गए। कोई कुछ समझ पाता उसे पूर्व महारानी देवल हाथ जोड़कर पद्म कुंड में उतर गई। उन्हें ऐसा करते देख महाराज जी के, नहीं देवल नहीं, रुक जाओ देवल रुक जाओ,
हमें पूर्ण विश्वास है आप पर देवल, कृपया रुक जाओ, हमें ऐसा दंड मत दो देवल। कहते हुए महाराज को उनकी ओर दौड़े, किंतु जब तक वे उनके समीप पहुंचते, महारानी देवल कुंड के गहराइयों में प्रवेश कर गई थी। उन्होंने जीवित जल समाधि ले ली। उनके इस प्रकार आत्मसर्ग ने महाराज समेत उस हर एक मनुष्य को हिला दिया था जिसने उन पर झूठा लांछन लगाया था। सबके सब भीतर ही भीतर पछतावे की पीड़ा से जूझ रहे थे। किंतु कहते हैं ना कि अब पछतावे हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। महारानी देवल तो अब जा चुकी थी, पर उनके इस बलिदान ने महाराज की आंखें खोल दी थी। उन्होंने किसी की परवाह न करते हुए अत्यधिक विलाप किया था। वहां मन ही मन महारानी देवल से क्षमा याचना भी की, पर इन सब बातों का अब कोई महत्व नहीं था। महत्व था तो केवल इस बात का कि जिस उद्देश्य से महारानी देवल ने अपने प्राणों की आहुति दी थी वो उद्देश्य अब सफल हो गया था। महाराज को विश्वास हो गया था कि महारानी देवल गलत नहीं थी, अपितु उनके विरुद्ध षड्यंत्र किया गया था। महाराज ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए गुप्त रूप से एक विशेष सभा बुलाई और अपने कुछ विश्वसनीय गुप्तचर और दरबारियों को इस षड्यंत्र का पता लगाने का आदेश दे दिया। वहीं पद्मकुंड से देवी देवल दे के शव को खोज निकालने के लिए गोताखोर भी लगाए, लेकिन दो दिन कोशिश करने के बाद भी उनके हाथ कुछ न लगा। कुंड को पूरी तरह खाली करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। शायद आदि शक्ति माँ जगदम्बा एक बार फिर अपनी सत्य धर्म युक्ति पुत्री को स्वयं में समा कर ले गई थी। तब महाराज ने महारानी देवल की स्मृति में पद्म कुंड का नाम बदलकर देवल कुंड रख दिया तथा उस कुंड के पास उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित कर उनके गौरव को सम्मान दिया। समय व्यतीत हुआ और एक मास के भीतर ही महाराज के द्वारा नियुक्त विद्वानों की उस सभा ने प्रमाण सहित उस षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया जो महारानी देवल के विरुद्ध रचा गया था। जब महाराज को सत्य ज्ञात हुआ, उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वे क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए और उन्होंने एक क्षण भी विचार किए बिना सीधे जाकर महारानी इरावती का मस्तक अपनी खड़क से प्रहार से धर से अलग कर दिया। जालिम सिंह और उन दोनों दासियों को भी मृत्यु दंड मिला और महल के अन्य दास दासियां जिन्होंने उस समय मौन साधा था कि जीवा कटवा दी। सबको तो महाराज ने दंड दे दिया, पर ये बात तो स्वयं महाराज भी जानते थे कि केवल वे लोग ही नहीं अपितु स्वयं महाराज भी महारानी देवल के अपराधी हैं। बस इसी गिल्ट में वे दिन प्रतिदिन घुट रहे थे और एक दिन इसी अपराध बोध में वे अपने बेटे को राजपाट सौंप कर चुपचाप कहीं चले गए। वे कहां गए आज तक किसी को कुछ पता नहीं। उनके जाने के तुरंत बाद ही उनके क्षत्रियों ने अवसर पाकर देवलगढ़ पर आक्रमण कर दिया। महाराज भीम सिंह के पुत्र अभी इतने सक्षम नहीं थे कि इन आक्रमणों का मुकाबला कर विजय प्राप्त कर सके। आक्रमणकारियों ने संपूर्ण देवलगढ़ को लूट लिया, तहस नहस कर दिया, भीषण नरसंहार किया। काफी लोग इस नरसंहार में मारे गए और बाकी पलायन कर गए। एक संपन्न और समृद्ध राज्य सदा के लिए उजड़ गया। उस किताब के अनुसार इन सब घटनाओं के बाद यहाँ जिस किसी ने भी बसने की कोशिश की मारा गया। यहाँ उन सभी अतृप्त आत्माओं का वास है। ये स्थान शापित है, मनहूस है। सत्य तो ये है कि एक सती का अनकहा शाप लग गया था समूचे देवलगढ़ को। ये पुस्तक देवलगढ़ के राजपुरोहित ने स्वयं लिखी थी। इसे पढ़ने के बाद हम सब की आंखों में आंसू आ गए थे। एक रानी ने अपनी तानाशाही और जिद में अंधी होकर सब कुछ उजाड़ दिया था। साथ ही रानी देवल का ख्याल आते ही बस नतमस्तक होने को जी कर रहा था। दुख भी बहुत हो रहा था कि आखिर क्या गलती थी उनकी।
उस किताब को पढ़ने के बाद हमें देवलगढ़ के उस इतिहास का पता चला जिसे शायद अब तक कोई नहीं जानता था। रानी देवल की दास्तां जानकर मैं बहुत ही ज्यादा विचलित हो गई थी। हम सब उनके और महाराज भीम सिंह के लिए बहुत दुखी थे, क्योंकि वे दोनों वाकई एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। हम सब काफी ज्यादा भावुक हो गए थे ये कहानी जानकर। लेकिन इन सब से होने क्या वाला था? आखिर हमें उस तहखाने से बाहर निकलना था। ऐसे में आकाश ने समझदारी दिखाते हुए हम सबको भी चेताया। हेलो गाइस, आई नो तुम सब अपसेट हो, बट इस घटना को हुए करीब 250 साल बीत चुके हैं। जो हो गया हम चाहकर भी उसे नहीं बदल सकते। देखो प्लीज, मुझे गलत मत समझना, लेकिन अब हमें थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना होगा। रात होने वाली है और हमें इस तहखाने से बाहर भी निकलना है। यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। वहां सब हमारे लिए परेशान हो रहे होंगे, खासकर विपुल सर। तुम ठीक कह रहे हो आकाश, हमें यहाँ से निकलने के लिए कुछ तो करना ही होगा, वरना हम हमेशा के लिए यहाँ कैद होकर रह जाएंगे, दिशा ने कहा। सब ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और सब वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। पर वो एक तहखाना था जहां जाने और आने का केवल एक ही रास्ता था, वो विंडो कम दरवाजा। वहां पहले ही धूप अंधेरा था और ऊपर से अब रात होने की वजह से रही सही कसर भी पूरी हो गई थी। जब हमें बाहर जाने का कोई और रास्ता नहीं मिला तो हम उसी खिड़की नुमा दरवाजे को फिर से खोलने की कोशिश करने लगे, पर हमारी सारी कोशिश धरी की धरी रह गई। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये वही दरवाजा है जिससे हम अंदर आए थे। अब तो इस तरह से अकड़ा हुआ है जैसे बरसों से न खुला हो। हम यहाँ पूरी तरह से फंस चुके थे। महक फिर रोने लगी तो इस बार मैंने उसे डांट कर चुप करा दिया। पर अब ना तो मुझे, ना आकाश और दिशा और ना ही पायल किसी को भी कोई आइडिया नहीं सूझ रहा था। बट रानी देवल और रानी ईरा की कहानी सुनकर शायद पायल को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो कब से बिल्कुल चुप और शांत खड़ी थी। जब मैंने उससे चुप्पी का कारण पूछा तो उसकी आंखों में आंसू छलछला उठे। मेरे हाथों को थाम कर वो बोली, मुझे माफ कर दो सुहाना, तुमसे जेलस होकर मैंने हम सबको इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। आज मेरी वजह से हम सब इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं। सच में यार, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। प्लीज डियर, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं पायल, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। अब माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम सब मिलकर उसको फेस करेंगे तो जरूर उससे बच निकलेंगे। ये टाइम एक दूसरे पर आरोप लगाने का नहीं, मिलकर दिमाग लगाने का है, मैंने कहा। यू आर राइट सुहाना, दिशा बोली। बट अब हम करें भी तो क्या? यहां से निकलने का कोई और रास्ता है ही नहीं, और ये दरवाजा। आकाश अभी बोल ही रहा था कि अचानक हमें कहीं से पायल बजने की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर हम सब बिल्कुल चुप होकर सीढ़ियों पर ही खड़े हो गए। सबने अपने आप को किसी न किसी तरह मुंह पर हाथ रखकर, तो किसी ने चेहरे पर कपड़ा ढककर, किसी ने अपने मुंह को हाथों से दबाकर चुप करा लिया था, क्योंकि हम जो अपनी खुली आंखों से देख रहे थे वो इतना खौफनाक था कि उस खौफनाक हकीकत को देखकर हमारी तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई थी। आकाश ने महक के मुंह को दबा दिया था अपने हाथ से, नहीं तो उसकी चीख निकल जाती और हम सब मारे जाते। दरअसल वो पायल की आवाज कहीं बाहर से नहीं बल्कि तहखाने की दीवार के अंदर से आ रही थी, और धीरे धीरे वो आवाज तेज हो रही थी। कुछ देर तो सिर्फ आवाज ही आई, लेकिन फिर जो हुआ सच में बेहद डरावना था। तहखाने की उस दीवार से जहां से वो पायल की आवाज आ रही थी, वहां से निकलकर एक युवा औरत धीरे धीरे तहखाने की दूसरी दीवार की तरफ बढ़ रही थी।
उस औरत का चेहरा घूंघट से ढका हुआ था और वो बिना हिले डुले बस सीधी चली जा रही थी। और देखते ही देखते कुछ ही देर में वो तहखाने की दूसरी दीवार में समा गई। ये देखकर हमारी महक तो बेहोश ही हो गई। अच्छा हुआ कि आकाश ने उसके मुंह को पहले ही दबा दिया था, वरना शायद हम आज जिंदा नहीं होते। पता नहीं कौन थी वो, बट हाँ इतना कह सकते हूँ कोई रानी नहीं थी। बेशक उसने भी कोई आभूषण पहने थे, पर फिर भी उसके आभूषण और वस्त्र सामान्य ही थे, किसी रानी जैसे नहीं। अब तो हमें उस तहखाने में और भी ज्यादा डर लग रहा था। हम बस वहां से बाहर निकलना चाहते थे, पर कैसे ही? आखिर मैंने एक आइडिया लगाया और आकाश से कहा कि वो ऊंची आवाज में दरवाजा खोलने का आदेश दे, जैसे कि स्वयं महाराज भीम सिंह बोल रहे हो। आकाश ने मेरी बात मानकर एक दो बार कोशिश तो की, लेकिन डर के मारे उसकी आवाज महाराज की तरह तो क्या नॉर्मल वे भी नहीं निकल रही थी। लेकिन हमें बाहर निकलना ही था, इसलिए हम सब ने उसका हौसला बढ़ाया और उसने भी पूरी कोशिश की और महाराज की लिहाज में आदेश देते हुए बोला, कौन है बाहर? कहाँ है सब दास दासी? तहखाने का द्वार किसने बंद किया? खोलो उसे, यह हमारी महाराज भीम सिंह की आज्ञा है। बड़ी मुश्किल से वो मेरे द्वारा बताए गए इन शब्दों को बोल पाया था। उसके इस तरह से बोलने के बाद कुछ देर तो सब कुछ शांत ही रहा। तब आकाश ने मुझसे कहा, तुम्हें क्या लगता है सुहाना, क्या हमारी ये कोशिश कुछ काम आएगी भी या नहीं? सब्र रखो आकाश, वैसे भी ऐसी कोशिशें करने के अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं, मैंने कहा। तुम ठीक ही कह रही हो, वो बोला। तभी फिर एक जोरदार खरखराहट के साथ वो दरवाजा खुल गया। ये देखकर हम सबकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। हमारी कोशिश कामयाब हो गई थी, सो हमने अब बिना एक पल गंवाए सीधे तहखाने से बाहर निकलने की दौड़ लगा दी। हम सब अब सुरक्षित बाहर तो आ गए थे, पर खतरा अब भी टला नहीं था। तहखाने में हमने जो देखा वो तो बस अभी खौफ का शुरुआत भर थी, जस्ट ट्रेलर। हेलो दोस्तों, अभी तक आप लोग सुन रहे थे आरजी पल्लवी पॉडकास्ट में रक्षा वैष्णव जी की लिखी हुई कहानी देवलगढ़ के महल का एपिसोड नंबर 2। दोस्तों कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्लीज वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि कितनी एफर्ट लगती है वीडियो बनाने के लिए, सो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दी, सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। तो ठीक है, मैं एक इन्फॉर्मेशन देने वाली थी लास्ट में, जो कि इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो कहानी है ये 2 वीक्स तक चलने वाली है, यानी ये वीक्स और नेक्स्ट वीक तक चलेगी, क्योंकि ये बहुत लंबी कहानी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। सो अच्छा लगता है कि पार्ट बाय पार्ट एपिसोड मतलब डालने में, लॉन्ग वीडियोस मैं डाल इसीलिए नहीं पा रही हूँ कि जब भी मैं लॉन्ग वीडियोस एडिट करने जाती हूँ मोबाइल से, क्योंकि मैं मोबाइल से एडिट करती हूँ, सो मोबाइल से जब भी मैं एडिट करने जाती हूँ लॉन्ग वीडियोस, तो वो एक्सपोर्ट करने में मतलब प्रॉब्लम हो जाता है, वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाती है, या फिर वो अटक जाती है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाती है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती है, या फिर वो साउंड गायब हो जाती है, या फिर गायब हो जाती है, आधा वीडियो सुनाई पड़ती है आधा नहीं सुनाई पड़ती, इस तरह के प्रॉब्लम्स आती है। इसीलिए मैं एपिसोड वाइज ही वीडियोस लाती हूं, ताकि आप लोगों को भी सुनने में मजा आए और मुझे भी एडिट करने में मजा आए। तो सो प्लीज और एक बात, और जो इंफॉर्मेशन मैं देने वाली थी
वो ये है कि ये जो टू वीक्स है के बाद एक बहुत बड़ी वेब सीरीज आने वाली है जो कि खतरनाक वेब सीरीज है। सो प्लीज गाइस, अगर मेरे इस चैनल पर आप लोग न्यू हैं, सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए, क्योंकि वो वेब सीरीज सुनने के बाद मैं दावे के साथ कह रही हूं कि वो सुनने के बाद आप लोग इस चैनल को छोड़ के कभी नहीं जा सकते। और चैनल पर अगर न्यू आ जाते हैं तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं नहीं जा सकते। चलिए, बातें बहुत हो गई, अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए।